जी, डॉक्टर उदयचार जी और भाई रमेश विधुड़ी जी, बिजली विभाग के लीडर भाई विजय गुप्ता जी, सभी विधायकगण, विधान पार्षद और सभी वरिष्ठ अधिकारी, दिल्ली के सभी प्रबुद्ध नागरिक और यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों, दोस्तों, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और दिल्ली को लगभग 6 दशक से बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। यहाँ जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उनको भी बहुत नज़दीक से, यहाँ जो विकास के कार्य होते हैं उनको भी बहुत नज़दीक से। अभी अक्टूबर में मैंने अपने राजनीतिक जीवन का भी लगभग 25 साल पूरा किया, 1993 से लेकर। मैं अभी बैठे बैठे लिख रहा था कि क्या कभी इस स्तर का डेवलपमेंट किसी भी केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री की सहायता से दिल्ली के लिए आज तक हुआ है। तो मुझे कम से कम अपनी स्मरण शक्ति से ऐसा कभी ध्यान नहीं आया कि एक मंत्री ने एक मंत्रालय के माध्यम से, अभी केवल रोड के ही प्रोजेक्ट्स लिख रहा था तो 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स खाली दिल्ली के सुनने में शायद अविश्वसनीय लगता होगा। राजनीतिक मंच से कही भी बात कभी कभी ऐसे लगता है कि सिर्फ कहने के लिए कह दी गई है, लेकिन इसलिए पेन से मैंने लिखा भी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो 135 किलोमीटर का है उसके ऊपर 10,000 करोड़, द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो कि लगभग 28 किलोमीटर का है 6,000 करोड़, अक्षरधाम धोनी बागपत का जो एक्सप्रेसवे है 150 किलोमीटर का उस पर 10,000 करोड़, डेली मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है 90 किलोमीटर का उस पर 7,000 करोड़, MER फेज 2 के ऊपर 4,000 करोड़, मुकारबा चौक से पानीपत का 2300 करोड़ और धौलाकुआ एयरपोर्ट जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वो 280 करोड़, और फिर कालिंदी कुंज फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना ये लगभग 60 किलोमीटर, ये 4,000 करोड़, इसका टोटल किया तो ये 46,000 करोड़ के जो है केवल सड़क से जुड़े